इधर भी जाते हैं ना, इधर भी जाता है। एक बार मेरे को देखो, सारे मेरे पास आ गए, मेरे को सबसे पहले वो मक्की चीना देखना है। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, कॉल करिएगा। ये देखो मक्की चीना हाइटेड बढ़ने वाला बकरा है भाई, सब कहाँ से निकाल के लाए ये सब यहाँ का ही है। अपने तो मंडी का कमाल है, मंडी का कमाल है। हाँ। मंडी में ऐसा हमने कमाल नहीं देखा, मैं घूमता हूँ बहुत। नहीं, अपन मंडी से करते हैं ज्यादातर काम। ये मतलब कुछ कांटेक्ट ऐसे लग रहे हैं मेरे को, आपके जो पर्सनल कांटेक्ट है ना। हाँ, पर्सनल है। अब तो मैं अभी जैसे अब हम लोग आ रहे थे तब तक तो आपके फोन पे इतने सारे मैसेज आए, इतने सारे वीडियो आए, तो वो बकरे डायरेक्ट भेज देते आप है ना। या इनका कलर क्या आया है भाई साहब, ये किस नस्ल में आएंगे पहले ये बताओ। तीनों बच्चे? हाँ, ये तीनों बच्चे सिरोही में आएंगे। पूरी पूरी कमर वगैरह लदक वगैरह बहुत बढ़िया है। देखो जो अब देखो, मैं ये इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ इस भाई का। इस भाई को पहले ध्यान से देख लो, ये सोए भाई है, ये अजमेर में रहता है। और इस भाई के पास जो क्वालिटी है, एक एक बकरे चुन के लाता है, निकाल के लाता है और शौकीन लोगों को ही भेजता है। यही काम है। तो आप कैसे भेजते हैं उनको माल? जैसे यहाँ से। अरे भाई मैं पूछूँ तब तक तो मेरे को नया माल दिख जाता है। हाँ, कैसे भेजते हैं फिर दिखाएंगे जैसे ट्रैक। तो भाई साहब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर विद जीपी पर। दोस्तों मैं आज अजमेर आया हुआ हूं और अजमेर में अपने को एक सोएब भाई मिले हैं जो कि काफ़ी टाइम से अपनी वीडियो देख रहे हैं। आज उन्होंने अपने को उनके फार्म पे बुलाया है। दिखाएंगे ये कि ये पिछले 5 साल से ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया जो है क्वालिटी माल में काम कर रहे हैं, क्वालिटी बकरे दिखाते हैं, क्वालिटी बकरे जो है वो बेचते हैं। और इनका जो काम है वो काफ़ी सालों से, तो ये हम बात करेंगे और बहुत अच्छे और नायाब क्वालिटी के बकरे मैं आपको दिखाने वाला इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और वीडियो देखते हुए कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो में रुके रहिएगा दोस्तों, अगर कुछ काम है तो आप पहले जाके करके आइए, उसके बाद भी आके ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को जो है वो पूरा देखना। मैं वीडियो को शुरू। श्रीमान जी नमस्कार, क्या नाम है पहले नाम बताइए अपना? शोएब नाम मेरा। पूरा नाम बताइए। शोएब खान। सोएब भाई, हम यहाँ थोड़ी सी धूप आ रही है, ऐसे कर लो बकरे को। कहाँ पर है हम, प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए आपका। अपना है दरगाह शरीफ से 5 किलोमीटर है, 5 से 7 किलोमीटर। दरगाह शरीफ से सिर्फ 5-7 किलोमीटर है। अजमेर के अंदर हम है इस वक्त। हाँ अभी। ठीक है, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की दूरी क्या रहेगी? वो 7 से 8 किलोमीटर। 7 से 8 किलोमीटर, ठीक है। ये बढ़िया हथियार वाला बकरा मेरे को दिख रहा है, सोचत नस्ल का है। सर क्या वजन में होगा ये? वजन इसका होगा वजन 70 से 75 किलो। 70 से 75 किलो एग्जैक्ट वजन है करके? हाँ, देखा आपने? करेंगे इंशाल्लाह। करानी है? करेंगे करेंगे। हाँ ठीक है, दांत दिखाइए पहले। तो दांत देखो। 4 दांत है। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 दांत ये बकरा है। एक बार मैं चाहता हूँ कि इसका क्या हम लाइव वेट ले सकते हैं? हाँ लो ना। चलो बताइए दोस्तों, देख लीजिए अनकट वीडियो है ये। ये भाई साहब के पास पूर्ण रूप से ये व्यवस्था है। कितने सालों से है भाई साहब ये काम? अपना 10 साल से काम है। अच्छा 10 साल से, तो ये फार्मिंग लाइन का काम है। ट्रेडिंग का काम कितना? 5 साल। 5 साल से ऑल ओवर इंडिया भी माल जाता है ना? हाँ, जहाँ तक पॉसिबल। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखा, इसमें अलग अलग इतनी शानदार और नायाब क्वालिटी भाई ने रखी है। बिल्कुल दिखाओ, जीरो दिखाओ भाई। जीरो दिखाए? कहाँ है जीरो? एक बार जीरो देख लीजिए। ये बिल्कुल जीरो पे है और अब इसको हम जो है एंटर करवाएंगे अंदर। अच्छा, इसको थोड़ा हरी पत्ती का लालच देना पड़ेगा तभी जो है ये अंदर तक चढ़ेगा और उसको हम दिखा पाएंगे। दोस्तों पाओ आगे पैर रखो पीछे। हाँ, इसको थोड़ा खिलाओ ना कुछ कुछ ढंग की चीज़ें दो जो इसको मज़ा आ जाए। सेब खिला रहा। हाँ सेब खिलाओ ना। ये लो भाई साहब, अब तो अंदर जाओ। अरे अंदर चले जाओ, डर क्यों रहा है ये समझ नहीं आ रहा। ऐसे करते नहीं है कभी, है ना? अपन डालते नहीं ना तराजू में रोज। हाँ हाँ, ये तो जो बकरे अब लोग कर दीजिए आप एक बार। 4 दांत पे ये बकरा 72। एक बार हिलेगा हिलेगा। हाँ हिलने दो कोई नहीं। ये है 72 500। रुको रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 75 के आसपास है भाई। ये भाई साहब एक मिनट रुक रुक, ये एक मिनट रुक सकता है क्या थोड़ा सा? मित्र हाँ 74 किलो है, 74 है भाई साहब, 74 किलो का ये बकरा है। ये देखो लाइव वेट करके दिखाया है, 4 दांत पे ये बकरा है। तो इसको एक बार बाहर करेंगे? अब दिखाओ भैया एक बार फिर से चेक करें। चलो चेक करते हैं उस टाइम क्या। अब कोई बात नहीं ना, चेक कर लेते हैं। ये देखो पाँव नीचे। हाँ 72 500, 75 500 आ रहा है। पाँव नीचे था यार, कोई समस्या नहीं काटे हुए। ये देखो अब नीचे नहीं है, निकाल लो।
निकालो निकालो, बहुत अच्छे वेट में है। लाइव वजन करके हमने एक को दिखाया है, क्योंकि देखो जूट का काम नहीं लगना चाहिए। चार दांत पे है, ये सेलिंग के लिए है बॉस? हाँ सेलिंग, क्योंकि अभी क्या है कि कुर्बानी का सीजन है, तो काफ़ी लोग जो हैं ऐसे बकरे आपसे मांगेंगे, तो सेलिंग के लिए है। अच्छा, हम दूसरा बकरा कौन सा देखेंगे? इसको बांध बंधवा दीजिए आप, और हम दूसरे बकरे की तरफ तब तक चले या घूमने देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है, ये वाला क्या है? अदंत पे बच्चा है, ये गुजरी है। हाँ गुजरी। अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूँ जितने भी बच्चे सारे आप अलग अलग क्वालिटी के डबल कलर में और नया क्वालिटी के लाए हैं ना, जो कलर चलते ना वो कलर है गुजरी सोज। देखो ये भाई हमको मिले थे और सिर्फ इन्होंने मेरे को बोला कि मैं जो चीज़ें दिखाता हूँ, जैसी क्वालिटी दिखाता हूँ वो दिखाएंगे तो भाई साहब आपको और भी मजा आएगा। ये इसको अंदर ले एक बार देखें, इसका वजन कितना है, कितने दांत है? पहले दांत बताइए। बच्चा है अभी तो अदंत, अदंत है ना। चलिए आप ले लीजिए अंदर, कस्सी बच्चा है, वो भी कस्सी है, ये भी कस्सी। हाँ अभी खा रहा है, खाने दीजिए खाने। नहीं अभी आप अंदर ले लीजिए, डायरेक्ट ले लीजिए, इसमें कुछ बचेगा नहीं तो ये रुकेगा नहीं। ले लीजिए, इसको जीरो दिखाऊं वापस एक बार? ये जीरो है भाई साहब, देख लीजिए ठीक है। हाँ लेके आ जाइए बकरे को, दिखाइए। उसके बाद क्या है, हम इसको वीडियो को कंटिन्यू इजीली करेंगे। अदंत बच्चा, दांत नहीं किया है, 61 किलो 800 ग्राम के समथिंग आ रहा है ये। आप एक मिनट को दिखा देता हूँ, सही से नहीं दिखा, 61 किलो 800 ग्राम है। और भाई साहब ये तो इसको खाने ही लग गए। चलो ठीक है, उसको कर देंगे। इस बकरे पे आते हैं, दिखाते हैं ना इसको पूरा, यहाँ से दिखाओ, यहाँ से। दिखाने की जरूरत ही नहीं है, देखो ये गुजरी है। ये कहाँ तक पहुँच जाता है ये बताइए ना मेरे को। ये बच्चे अभी 61-62 किलो पर अदंत बच्चा है ना। इनका अभी तो वेट देखो, कस्सी बच्चा अभी। कस्सी बच्चा है, और मेरे हिसाब से जब तक ये चार दांत करेगा ना, 6 दांत मान लीजिए, तो 100 क्रॉस कर लेगा इंशाल्लाह, है ना, 100 क्रॉस कर लेगा। अभी तो बारीक से दांत है बिल्कुल इसके, वही तो मैं देख रहा हूँ। अभी तो समझ लो ये मेरे हिसाब से 10 महीने का बच्चा है अभी। 10 महीने का बच्चा, 10 महीने बारीक से दांत। कैसे निकाल के लाते हैं ऐसे बच्चे, कैसे पता चलता है कि भाई ऐसे बच्चे लेने चाहिए खरीदने चाहिए? ये तो नस्ल के ऊपर है सारा खेल। चार दांत पे हो जाएगा बिल्कुल, अंकल जी का एक्सपीरियंस कह रहा है कि चार दांत पे ये 100 किलो के बाहर जाएगा अदंत बच्चा। तो ये ईद के लिए जो पालना चाहते हैं और नेक्स्ट पल्टी में रखना चाहते हैं उन भाई साहब के लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि जो पालने वाले होते हैं वो बच्चे ऐसे ही लेते हैं, ऐसी क्वालिटी में ना। और आपका काम मेन ऐसा ही रहता है कि इसी क्वालिटी में काम कर रहे हैं आप? बच्चा देखो ना। हाँ तो आप एक एक दो दो बच्चों में ही काम करते हैं? एक दो बच्चे जैसे हर मंडी ले लेते हैं, जंगल से भी ले लेते हैं ज्यादातर मंडी। अच्छा, का काम आपने मंडी का काम इन्होंने बताया है। हाँ। तो वो मैं ये देखो इन्होंने खुल के बताया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि ये मंडी में जाते हैं, मंडी में हजारों बकरे आते हैं, आप भी मानते हैं, उसमें से आप चुन के 2 बकरे निकालते हैं? चुन से 5-10 जो भी आते हैं ना पूरी मंडी में। हाँ। तो उनमें से 5 या 4 या 2 या 5। तो कभी बीमारी आने के चांसेस नहीं रहे फार्म पे? हम तो अलग करते हैं वजन, कोई भी जानवर नया आता ना। हाँ। उसको क्वारंटाइन रखते हैं। क्वारंटाइन रखते हैं कितने दिन के लिए रखते हैं? 10 से 12 दिन रखते हैं क्वारंटाइन, उसके बाद भी पहले से वैक्सीन करते हैं। ऐसा कभी हुआ है कभी बीमार आए हैं? हो सकता है मंडी के जानवर आ जाओ, बीमारी भी आती है। बाकी ऐसा है कि भाई मंडी में आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, आप वहाँ गाँव लगा के बैठे रहते हैं कि भाई साहब अच्छी क्वालिटी आएगी तो खरीद। प्लस पॉइंट है हमारे मंडी 1 से 2 किलोमीटर दूर में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। हाँ तो ये पास के पास में ये बकरा लिया और घर पे पहुँच जाता, कोई जानवर सफर से आता है थकता है तो ये जैसे आपने बताया मेरे को कि जो फर्स्ट अपन ने जो बकरा देखा था वो आपने 6 महीने का था तब लिया था, और ये वाला जो सेकंड बकरा आपने देखा ये कितने महीने का था तब लिया? ये तो अभी आया जस्ट अभी मेरे पास में, उसको हो गया 1 से 1.5 महीने हो गया। डेढ़ महीने से आप इसको रखते हैं? तो ये सोल आउट कैसे करते हैं, बेचते कैसे हैं, इतने साल हो गए? मोबाइल व्हाट्सएप से चलता है, व्हाट्सएप से काम चलता है, इंस्टाग्राम से काम चलता है। इंस्टा तो अभी बनाया, नया बनाया बिल्कुल नया। बाकी आपके जो कॉन्टेक्ट है तो व्हाट्सएप से ही मेरे पास में। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आपको क्वालिटी के बकरों के लिए जानते हैं ना। ठीक है, एक बकरा मैं ये देखूंगा, ये तो बिका हुआ यार, ये सेल हो गया। ये वाला ये सेल है, दोनों क्वालिटी के ना। ये सोजत में गुलाबी है और वो कौन सा है? वो गुजरी में आएगा। गुजरी में आएगा, गुजरी बच्चे ज्यादा आपका भी शौक मुझे लग रहा है कि गुजरी में ज्यादा है। बिकी हुई चीजें दिखाते नहीं है क्या? बिकी हुई चीजें दिखा नहीं, दिखा दो ना, कोई टेंशन नहीं, कोई पार्टियों के रहते जो अपन ने क्या दिखा दो। हां सही है, ये कस्सी हुए हैं, ये कस्सी है, कस्सी हुए ही है अभी हुए हैं। हाँ, तो वजन थोड़ा होगा ना, थोड़े से उदास बैठे। ये कितने महीने का है ये बच्चा? 2 दांत लगा दिया यार। मतलब बकरों के शौकीन है आप और बकरे पालते हैं, और वो भी मतलब क्वालिटी के बकरे। दोस्तों देखो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं फिर, जैसे मान लो कि किसी ने पूना का मंगवाया आपसे, आगे आते जाइए और बात करते जाइए, हम बात भी करेंगे दिखाते रहेंगे। ये क्या वजन में होगा?
ये बच्चा आएगा 45 डबल कलर में गुजरी मिक्स का है ना। हाँ, सोजस गुजरी मिक्स। ये अभी तीन से चार दिन हो गए इसको कस्सी करा हुआ। कितने बच्चे कस्सी किए हैं? मैंने एक दो और तीसरा ये अदंत अभी तोला जो था ना ये था। हाँ, ये तो अदंत वाला कस्सी है। ये तो ऑलरेडी कस्सी है। ये ऑलरेडी कस्सी था। अंदर भी चलेंगे, अंदर चलें। ठीक है, चलते हैं। तो फिर कैसे एक दो ऑर्डर, जैसे दो बकरे मंगाए पूना से कोई पार्टी है तो आप कैसे बेचते हैं उनको माल? जैसे यहाँ से। अरे भाई मैं पूछूँ तब तक तो मेरे को नया माल दिख जाता है। हाँ कैसे बेचते हैं फिर दिखाएंगे। जैसे ट्रैक अपन मुंबई की, जैसे पूना की तो ऐसा है, पूना का तो मुंबई से लगाना पड़ता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट का मुंबई तक होता है। मुंबई लाइन हो गई, उसके बाद में अपने गुजरात लाइन है, उसके बाद में एमपी लाइन, इधर चारों तरफ बकरा जाता है। बाकी लोकल में भी है, जयपुर जोधपुर इधर भी है। इधर भी जाते हैं ना? इधर भी जाता है। एक बार मेरे को देखो, सारे मेरे पास आ गए, मेरे को सबसे पहले वो मक्की चीना देखना है। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, कॉल करिएगा। ये देखो मक्की चीना हाइटेड बढ़ने वाला बकरा है भाई। सब कहाँ से निकाल के लाए ये? ये सब यहाँ का ही है अपने, तो मंडी का कमाल है। मंडी का कमाल है। हाँ। मंडी में ऐसा हमने कमाल नहीं देखा। मैं घूमता हूँ बहुत। नहीं, अपन मंडी से करते ज्यादातर काम। ये मतलब कुछ कॉन्टेक्ट ऐसे लग रहे हैं मेरे को, आपके जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है ना। हाँ पर्सनल है। अब तो मैं अभी जैसे हम लोग आ रहे थे तब तक तो आपके फोन पे इतने सारे मैसेज आए, इतने सारे वीडियो आए, तो वो बकरे डायरेक्ट भेज देते आप है ना। या इनका कलर क्या आया है भाई साहब? ये किस नस्ल में आएंगे पहले ये बताओ? तीनों बच्चे? हाँ ये तीनों बच्चे सिरोही में आएंगे। हाँ, ये तीनों सिरोही में आएंगे। पूरी कमर वगैरह लदक वगैरह बहुत बढ़िया है। देखो जो अब देखो मैं ये इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ इस भाई का। इस भाई को पहले ध्यान से देख लो। ये सोहेब भाई है, ये अजमेर में रहता है, और इस भाई के पास जो क्वालिटी है, एक एक बकरे चुन के लाता है, निकाल के लाता है और शौकीन लोगों को ही भेजता है। यही काम है? हाँ जी। क्वालिटी लोगों को। ये कितने कितने महीने के हैं चारों? दो दो दांत। सारे दो दो दांत हो गए? सब दो दो। तो ये तो ईद का माल हो गया ना भाई? हाँ ईद का माल है। कस्सी बिल्कुल फ्रेश। फ्रेश कस्सी है? हाँ, कस्सी हुए हैं पूरा कंप्लीट। अच्छा अच्छा ठीक है। आज फिर भी कोई पलटी के लिए रखना चाहे तो रख सकता है भाई साहब, माल देखा मैंने। रेट का क्या रहता है भाई साहब? मैंने पूछना भूल गया। रेट का तो पर्सनल में बताएंगे, बाकी कुर्बानी का पर्सनल में ही बताएंगे। इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि भाई साहब देखो क्या है कि हम लोग जो माल बेचते हैं वो आगे भी माल जाता है, और ये बात आप जो बकरे रखने वाले हैं या बकरे खरीदने वाले हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। एक ये वाइट वाला बकरा मेरे को बहुत कर रहा है, इसको एक बार दिखा दीजिए। ऐसे मतलब कि इस तरीके से हो रहा हो ना कि इसको दिखाना ही पड़ेगा। और ये खुद घूम रहा था, और सारे बकरों के शौकीन, मतलब ये सारे बकरे ही रख रहे हैं। और बकरे में देखो तुम, क्या वजन होगा इसका? वजन होगा 75 किलो। 75 kg भाई साहब। वेट सब करा के देंगे इंशाल्लाह सब। आप तो क्वालिटी बकरों के बादशाह बन गए अजमेर में। मैं ऐसे बकरे देख नहीं पाया क्योंकि ये अलग अलग बकरे निकाल के दिखाए हैं। ये वाला बताओ ना, ये अलग ही कलर है, ये क्या कलर है? ये देसी कलर में आएगा वजन। ये देसी में ऐसा कलर? हाँ। और इस तरह का बकरा ये हो गया? दो दांत? हाँ दांत हो गए। दांत दांती हो गया ठीक है। चार दांत है। चार दांत पे। क्या वजन पे है ये? वजन वही 70 से 75 किलो। 75 किलो। बड़े बकरे, लंबे बकरे और बड़े हुए बकरे हैं भाई। तुम्हें वीडियो देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये बातें हम सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि शायद किसी को मुझे ये माल बिकवाना है या भाई साहब को ये करना है। वीडियो देखिए, वीडियो में जो क्वालिटी आपको दिखेगी इसके बारे में बताइए ना। 6 महीने का है, इसको रखने का मूड है? ये भी दो दांत है। ये दो दांत है? हाँ। छोटी देखी ना हाइट? छोटी हाइट। थोड़ा सा पीछे करिए इसको, मैं देखूंगा क्या वजन आया होगा इसका। 50 होगा मुश्किल। 50 किलो आएगा? 50 आ जाएगा। नहीं अदंत है वजन। अदंत है तो फिर आपने बोला हो गया। हाँ नहीं मैंने गलती कह रहा हूँ, मेरे को लग रहा था ना। ये तो बिल्कुल फ्रेश दांत ही नहीं है, अभी तो पूरा कच्चे दांत का है। अदंत वजन बहुत डबल कलर की मांग है, आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा डबल कलर चल रहा है। या तो गुलाबी खरीदेंगे या डबल कलर खरीदेंगे। और कुछ नया बकरे रह गए हो तो मेरे को बताओ आपने। देखो वो बकरा नहीं दिखाया आपने मेरे को, वो बकरा एक एक छांट छांट के लाया हुआ माल ये भाई साहब जो है। अच्छा शौक यही है कि लाके बेचने का काम है ना, ट्रेडिंग का काम करते हैं। और देखो बकरों के शौकीन तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं भाई साहब, कभी कहानियां बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा। शानदार भाई साहब को बता रहा था मैं कहानी, और वो भी इनको मजा आया कि यार वास्तव में ऐसा भी होता है और बातें सच्ची होती है। क्योंकि अब मैं, मेरे को घूमते हुए इतना टाइम हो गया तो वही चीज़ें हैं कि ये देख पाते हैं हम लोग। क्या बात है, शानदार। और भी बताइए ना, बताते रहिए। मैं पूछूंगा नहीं, तुम बोलते तो रहो कम से कम बोल। ये थोड़े साई किस्म के हैं, कैमरा सामने आती है थोड़े साइलेंट हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। लो भाई देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों, क्या कि ये देखो आपकी जिम्मेदारी है, मेरा इतना पूरा हूँ।
मक्का सीना जिम्मेदारी। ये क्या बर्बरी में है? ये मक्का सीना आएगा भजन, मक्का सीना है। हाँ। बर्बरी नहीं है, नहीं बर्बरी जैसा है इसका, मतलब हाँ। शरीर का खोल आया ना, शरीर इसका ऐसा हाँ। ऐसा आया है कि बस दो दांत पे। अभी एक बार मैं ऊपर से लेता हूँ यार, फोटो भी आ जाएगा। क्या बात है, आप इस बकरे को और वो मक्की छीना बकरे को एक बार लेके ऐसा कुछ खड़ा करिए कि मैं एक फोटो ले सकूँ भाई साहब। ठीक है ठीक है, क्योंकि मेरे को एक फोटो भी चाहिए। और उसमें क्या है, वो बंद पड़ा है जो उनमें बिके हुए माल है? वो बिके हुए माल है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पूरा तरीके से बता देता हूँ। ये भाई साहब जब तक दिखा रहे हैं हमको, वो दिखाते रहूँगा और मैं बात भी कर देता हूँ। ये जो काम कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। इनका काम है एक एक दो दो पीस जो है क्वालिटी माल लाना और बेचना। ये भाई साहब यही काम कर रहे हैं। बकरे आपको पसंद आ गए होंगे, इसमें दाती हैं बकरे, कुर्बानी के लिए बकरे हैं और क्वालिटी बकरे रखने वाले हैं। इतने बकरे एक साथ देखे होंगे तो सारे अलग अलग तरीके के बकरे ये रखते हैं। आप इनको कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल भाई साहब कॉल आ जाएगा, व्हाट्सएप पे फ़ोन आएगा, फ़ोन आएगा तो आप अटेंड करिएगा, सबको जवाब दीजिएगा। ठीक है ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ये कर देंगे जहाँ तक हो पाएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भेजें, मज़ा आ जाएगा भाई। थैंक यू सो मच।